नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। नाभा के डीएसपी गगनदीप सिंह भुल्लर की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से हुई मौत, पुलिस जांच में जुटी। नाभा में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से फैली सनसनी, नहीं हो पाई पहचान। जालंधर देहात के थाना फिलौर की पुलिस ने एक इंटरनेशनल नशा तस्कर को किया काबू। 2 किलो हेरोइन, 1 पिस्तौल, 5 जिंदा कारतूस किए बरामद। और अब हलचल विस्तार से। नाभा के पौश इलाके मॉडल रोड पर उस समय सनसनी फैल गई जब डीएसपी गगनदीप सिंह भुल्लर के अपने ही घर में 32 बोर की एक रिवॉल्वर चल जाने से और उनके सिर पर गोली लगने से उनकी मौत हो गई। फिलहाल यह मौत कैसे हुई, पुलिस इसकी जांच में जुट गई है। तो वहीं गत रात्रि पटियाला के एसएसपी दीपक पारिक भी मौके पर पहुंचे। गौरतलब रहे कि मृतक डीएसपी पटियाला में तैनात थे। वहीं जब डीएसपी की मौत का पता चला तो शहर में मातम का माहौल छा गया। इस मौके पर नाभा के एसएचओ हैरी बोपाराई ने बताया कि डीएसपी की मौत गोली लगने के कारण हुई है। हालांकि यह गोली कैसे चली, अभी इसके कारणों का पता चलाया जा रहा है। नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट। पता नहीं लग गया सानू, हुणे मैसेज मिला सी, हुणे सी आ गया। की नाम सी जी, किथे तैनात? गगनदीप सिंह सी, तैनात दा नहीं पता सी भी किथे ने किथे नहीं। गगनदीप सिंह भुल्लर जो कि एस ओ जी बहादुरगढ़ विच पोस्टेड सीगे, उन्हां दी बुलेट इंजरी करके डेथ हो गई है। सानू सिविल हॉस्पिटल तो इहदी इतला मिली सी, जिस के मुताबिक असीं अपनी अगली कार्रवाई कर रहे हैं। ये फिलहाल तो असीं हले मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है जी, ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਆਊਗੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਜੀ ਵੀ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। नाभा में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। यह लाश यहां पर कैसे पहुंची और यह लाश किसकी है, इसकी जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। मृतक की बाईं बाजू पर विक्रम लिखा हुआ है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही थाना सदर नाभा की एसएचओ प्रियांशु सिंह ने कहा कि वह शव की पहचान करवा रहे हैं। शव को देखकर पता चलता है कि यह 4-5 दिन पुराना शव है, क्योंकि यह लाश बिल्कुल गल सड़ चुकी है। फिलहाल शव की पहचान हेतु अलग अलग थानों में सूचना दे दी गई है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट। उदी हले कोई कोड़े सैफन ते जी डेड बॉडी मिली है, 4-5 दिन पुरानी लगती है, बट उदी पहचान बिल्कुल नहीं हो रही। बॉडी पूरी गली हुई है ते उदे एक जरूर है कि हाथ ते जड़ा टैटू जा नाम लिखा है विक्रम ते। असी बाकी सारे मैसेज पा रहे हैं कि जे किसी की पछाण यदि आँदी है तो सानू कोई दस्से। हुण फिलहाल असी नूं मोर्ची हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। मोर्ची कोई सट छुट दा निशान तो नहीं है बॉडी ते? हाले बॉडी ते नहीं, क्योंकि बॉडी जिहड़ी हैगी आ सड़ी हुई है ते उसते मतलब काफ़ी इंसेक्ट्स चल रहे ने उत्थे। जालंधर देहात के थाना फिलौर की पुलिस ने एक इंटरनेशनल नशा तस्कर को काबू करने में सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसएसपी देहात स्वरणदीप सिंह ने बताया कि पकड़े गए आरोपी की निशानदेही के आधार पर इंस्पेक्टर सुरेंद्र कुमार ने कार्यवाही करते हुए पुलिस पार्टी सहित मोगा सिटी एरिया में रेड की, जहाँ पर नशा तस्करों के साथ पुलिस का मुकाबला हो गया और कांस्टेबल मनदीप सिंह को गोली लग गई। घायल होने के बावजूद भी मनदीप सिंह ने बहादुरी का सबूत देते हुए नशा तस्कर गगनदीप को काबू कर लिया, जबकि उसका एक साथी भागने में कामयाब हो गया, जिसके बाद पुलिस ने पकड़े गए आरोपी की निशानदेही पर 2 किलो हेरोइन, 1 पिस्तौल और 5 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। उन्होंने बताया कि आरोपी अपने अंतर्राष्ट्रीय नशा तस्कर साथियों की मदद से पाकिस्तान में बैठे स्मगलरों से ड्रोन के जरिए तरनतारन बॉर्डर के नज़दीक खेतों में नशा मंगवाता था और उस नशे को पंजाब के अलग अलग जिलों में सप्लाई करता था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पर मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ शुरू कर दी है, जिससे और भी कई खुलासे होने की संभावना है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। पंजाब सरकार ने जड़ी नशा विरोधी जड़ी मुहिम चलाई है, उदी लड़ी विच डीजीपी साहब दे हुक्म मुताबिक जड़ी रोज साडी जड़ी ड्रग्स दे खिलाफ लड़ाई चलती है, उदे च 5वें महीने एक परचा होया सी थाने फिलौर, उदे च कुछ रिकवरी सानू हुई सी और कुछ ना सामने आई सीगे। उदी इन्वेस्टिगेशन विच रीसेंटली असी गुरदीप सिंह नां दा बंदा फड़िया सीगा,
जिन्हां ने अपने अगे कुछ होर ना दसे और वो होर ना पता लगन ते एस एच ओ जिहड़े फिलौर है अंडर सुपरविजन ऑफ एस पी डी इन्होंने अगे रेड किए हैं और रेड दौरान जिहड़े हैगे आ एक बंदा गगनदीप नाम का बंदा फड़िया सीगा और दूसरा जिहड़ा हैगा वो उत्थों भज गया सी जिन्हें साडे मुलाजम ते भी फायर किया उहदी कार्रवाई वक्री डिस्ट्रिक्ट मोगे विच कीती गई हैगी आ और इहदी जिहड़ी पुछके जिहड़ा फड़िया बंदा गगनदीप असी उहदे चों उहदी जिहड़ी रिकवरी और पुछगिछ तों बाद उहनूं 2 किलो हीरोइन एक वैपन और कुछ लाइव राउंड जिहड़े हैगे सानू बरामद होए ने लेकिन फर्दर जिहड़ी इन्वेस्टिगेशन है इहदी ऑन हैगी जी। दीपावली पर माहौल खराब करने की फिराक में हथियार सप्लाई करने जा रहे 2 आरोपियों को देहात पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने गिरफ्तार किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसएसपी देहात स्वरणदीप सिंह ने बताया कि क्राइम ब्रांच देहात के इंचार्ज एसआई पुष्प बाली की अगुवाई वाली टीम के एएसआई बलविंदर सिंह पुलिस पार्टी सहित अड्डा अमानतपुर मोड़ पर खड़े थे कि तभी उन्हें सूचना मिली कि मुकेश कुमार यादव निवासी बिहार जो कि कत्ल केस में अमृतसर जेल में बंद है वह अपने गुर्गों के जरिए पंजाब और आसपास के गैंगस्टरों को हथियार सप्लाई करता है जिसके 2 गुर्गे विजय राम और अजय राम निवासी बिहार हथियार सप्लाई करने के लिए अमृतसर जाने वाले हैं जो कि इस समय बिदीपुर के पास बस पकड़ने के लिए खड़े हुए हैं। अगर इसी समय छापामारी की जाए तो आरोपी हथियारों की खेप के साथ पकड़े जा सकते हैं तो वहीं ठोस सूचना प्राप्त होने के बाद पुलिस पार्टी आरोपियों को पकड़ने के लिए बिदीपुर पहुंच गई। इस दौरान पुलिस पार्टी को वहां पर खड़े देख 2 व्यक्ति घबरा गए और ऑटो रोकने लगे। वहीं पुलिस ने दोनों आरोपियों को काबू कर उनके कंधे पर लटकाए हुए किट बैग की जब तलाशी ली तो उसमें से 5 देसी पिस्टल 10 मैगजीन और 10 जिंदा कारतूस बरामद हुए। पुलिस ने आरोपियों पर थाना मकसूदा में मामला दर्ज कर जब पूछताछ की तो आरोपियों ने बताया कि यह हथियार वे गैंगस्टरों तक पहुंचाने वाले थे जो कि दिवाली पर पंजाब का माहौल बिगाड़ सकते हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों से आगे की पूछताछ कर रही है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। देखो जी, तुहानू पता कि फेस्टिवल सीजन चल रहा है, दिवाली त्यौहार के मद्देनजर साड़ी जी है जी सिक्योरिटी और चैकिंग्स वगैरह से काफ़ी वधाई है। उस सिलसिले च इंस्पैक्टर पुष्प बाली जी क्राइम ब्रांच इंचार्ज साढ़े है, उन्होंने कल बिदीपुर थाने नाका लाया से जो उन्होंने सीक्रेट इनफॉर्मेशन मिली कि एक बंदा जो जेल विच लॉज हैगा वो अपने जोड़े साथियों वैपन आउट ऑफ स्टेट बिहार तो लिया के इतने सप्लाई करना है। तो उस इनफॉर्मेशन जो इन्होंने बंदे 2 राउंडअप किए तो राउंडअप करने तो बाद उन्होंने को जो बैग से उन्होंने 5 जोड़े वैपन सानू 32 बोर मिले है। इन्ह का इस खरीद नहीं, इन्हों सिर्फ डिटेल आई गई सी कि दिल्लियों कि यह वैपन लैके फलाने जगह फड़ाने और तुम्हें पैसे मिलने के। गत रात्रि जालंधर के दमोरिया पुल के नज़दीक एक स्क्रैप के गोदाम के बाहर खड़े स्क्रैप से भरे ट्रक में अचानक आग लग गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर तुरंत आग पर काबू पाया। हालांकि इस आगजनी की वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। इस संबंध में जानकारी देते हुए गोदाम मालिक ने बताया कि उनके पहुंचने से पहले ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया था, इसलिए उन्होंने फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। नहीं पता लगा साडे मेरे घर किसी अनजाण बंदा घर गया मेरे, उन्हें जाके था ताडी गड्डी नूं अग लगी हुई है। उस तो पहले ही फायर ब्रिगेड दी सरकार दी मैं बहुत बहुत मेहरबानी करदा, उन्होंने आके इत्थे पहले सब कुछ काबू पा लिया सी, पर मैनूं लगदा सी वी बहुत अंदर तक अग लग चुकी है। उस चक्करां च असीं आप गड्डी नूं पलटी मारी। साडे इन्हां दे फायर ब्रिगेड ने पुलिस मुलाजमान ने साडी बहुत साथ दिता है, इन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद है। असीं इस चीज़ ते अपने काबू पा लिया। अज तो 4-5 साल पहले साडे गोदाम च वी इदां ही अग लगी सी, साडा घट्टो घट नहीं तो 70-80 लाख का नुकसान हो चुका सी। इस करके सानू थोड़ा जिहा लगदा सी वी अज वी कोई नुकसान होगा साडी गड्डी 14-15 लाख की गड्डी उड़ जाणी सी, नाल साडा 1 लाख का नुकसान होर हो जाणा सी। मैं हाथ जोड़ के सब दा तुहाडे पुलिस मुलाजमान दा फायर ब्रिगेड वालियां दा विचे तुहाडे पत्रकारां दा वी धन्नवाद करदा जी। सानू 11:45 ते कॉल आई है, ਐਨਡੀ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰੇਲਵੇ ਰੋਡ 'ਤੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਲੋਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਗੱਤੇ ਦੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਕੁਆਡ ਦੇ ਗੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਲੁਧਿਆਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਅਚਾਨਕ ਕੋਈ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਅੱਗ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਅੱਗ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਟਰ। ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਰਾਤ ਚੈਕਿੰਗ ਸੀਗੀ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈਨਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਹੈਨਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਆਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਰੈਪ ਪਈ ਆ ਇੱਧਰ, ਇੱਧਰ ਮਾਰੋ ਸ਼ਾਰਟ ਜ਼ਰਾ, ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਰਟ ਮਾਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਲੋਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਔਰ ਹੀ ਗੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਥਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਓ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬਸ। ਬਾਕੀ
हथों पाई नहीं, उन्होंने कहते सीगे कि असी पैप लैके तो असी भजाउनी आ अग, कि तुसी ना भजाओ असी भजावांगे अग। जो यो कंप्लेट करनगे उस तरीके दे नाल कारवाई की जाऊगी। ट्रक ओ लगा वा, ओ देखो ओ चलिया, ओ जान डिया, उन लगे इन्हां कब्जे दे विच, ओ आ गया आ गया। गत दिनों अमृतसर की लिबर्टी मार्केट में एक मोबाइल की दुकान के अंदर मोबाइल खरीदने गए एक पुलिस अधिकारी द्वारा गोली चलाकर एक नौजवान को जख्मी कर देने का मामला सामने आया था, जिसके बाद अब उक्त नौजवान की मौत हो जाने की खबर सामने आई है, जिस कारण लिबर्टी मार्केट के दुकानदारों द्वारा अमनदीप अस्पताल के बाहर रोष प्रदर्शन कर इंसाफ की गुहार लगाई गई है। इस दौरान पारिवारिक सदस्यों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया है पर एएसआई का नाम उसमें नहीं लिया गया है, जिस कारण वे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं इस धरना प्रदर्शन के कारण ट्रैफिक जाम लग गया, जिस कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने पीड़ित परिवार को उचित कार्यवाही का आश्वासन देकर मामले को शांत करवाया। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। कारण है बच्चे नु इंसाफ मिले, बस एहो ही कारण है, और असीं की करना, साडा किसी ना कोई लेना देना नहीं है, पुलिस वाले साडी सुनदे नहीं पाए। जे वो बंदे नूं फड़ाया तो गैब परचे की कापी नहीं दिंदे पे, कुछ भी नहीं, कोई गल नहीं सुनते पे, साडी कोई कार्रवाई नहीं होंदी पे। सानूं कोई पता लगेगा तो फिर है ना, एफ आई आर की कोई कापी नहीं, की लिखा एफ आई आर, जे की उन्होंने धारा लाई है सानूं कुछ नहीं पता। उहदा बेटा नाल सी दुकान के अंदर, तुहानूं वीडियो ही दित्तियां सारियां, बेटा नाल सी, पहलों भज्जन लगा ही, बेटे ने कैमरे देखे है वी मेरी वीडियो बन गई है, तो वह दबा वापस आ गया, नहीं तो उन्हें भज जाना। ये कल लिबर्टी मार्केट के घटना हुई सी, पुलिस स्टेशन सिविल लाइनज़ के लॉरेंस रोड चौंकी का मुलाजम सी एस ए हरभजन सिंह। तो जो उत्थे घटना हुई सी उस दे विच कल तक जो लड़का हॉस्पिटल में एडमिट सी, असी उसके भरा मणि के बयान से उस मुलाजम के खिलाफ, जिस दे लाइसेंस सर्विस रिवॉल्वर के नाल गोली लगी सी, उसके खिलाफ असी 307 दा मुकदमा दर्ज करता सी। तो अज बहुत ही बुरी खबर सानू सुबह मिली है कि उस लड़के की डैथ भी हो गई है, तो उसके तहत ही 307 नूं 302 दे विच कन्वर्ट हो गई। सर उत्थे कहा जा रहा है कि जिहड़ी उहदे नाल उहदा बेटा भी सीगा, कोई पैसों का लैन देन सी, इस करके वो रंजिश में जानबूझ के गोली चलाई गई है। ये असी जी वेरीफाई कर लिया है, जो लड़का नाल खड़ा सीगा वो उसका बेटा नहीं, वो सिर्फ फोर्थ क्लास वाला सी, जो पानी वगैरह पिंदा है लॉरेंस रोड चौंकी के, जो उसके ब्रदर मणि वालों बयान लिखवाए गए थे, उसके तहत उसने लिखवाया कि साडा कोई पैसे का लेन देन, उस करके गोली वजी है। सो उसके तहत असी एक बार 307 दा मुकदमा रजिस्टर किया सी, तां बट उस तो बाद जो भी इन्वेस्टिगेशन दे विच आऊगा, असी जो मौके दे आई विटनेस उन्होंने बयान भी लवेंगे, तो सीसीटीवी फुटेज की इन्वेस्टिगेशन करांगे, उस तो बाद असी इस चीज़ बारे दस सकते हैं कि वह किस कारण करके। जालंधर के गोपाल नगर बत्रा पैलेस के सामने अवैध बन रही दुकानें तोड़ने गई नगर निगम की टीम मात्र खाना पूर्ति कर वापस लौट गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर निगम कमिश्नर के आदेशानुसार नगर निगम की टीम कार्यवाही करने गई थी, जो मात्र खाना पूर्ति कर वापस लौट गई। बताया जा रहा है कि गोपाल नगर बत्रा पैलेस के सामने करीब 1.5 दर्जन दुकानें बन रही हैं और लेंटर डालने की तैयारी की जा रही थी, जिसकी सूचना नगर निगम को मिल गई। मौके पर पहुंचे नगर निगम के अधिकारी ने बताया कि इन दुकानों के नक्शे पास नहीं हैं और इन्होंने लिख कर दिया था कि दुकानों के नक्शे पास करके निर्माण करेंगे, लेकिन कुछ दुकानों के नक्शे पास नहीं हैं और निर्माण लगातार जारी था, जिसके चलते पुलिस की कार्यवाही करते हुए कुछ दुकानों के अवैध निर्माण तोड़े गए हैं। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। पंजाब में मक्खन की बढ़ती खपत को देखते हुए सहकारी उत्पादक कंपनी वेरका की ओर से मक्खन निर्माण की कैपेसिटी में बढ़ोतरी की गई है। औद्योगिक नगरी लुधियाना में वेरका मिल्क प्लांट की ओर से अब रोजाना 10 टन अतिरिक्त मक्खन का उत्पादन किया जाएगा। बुधवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान वेरका मिल्क प्लांट पहुंचे और प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम भगवंत मान ने कहा कि हमारी पंजाब सरकार की टीम एक परिवार है, सबका मकसद पंजाब की भलाई है,
पंजाब अब तरक्की के रास्ते पर है। चुनाव में पुराने दिग्गज लोगों ने इसलिए हटाया क्योंकि उनके सोच पंजाब के लिए नहीं थी। सीएम ने कहा कि उन्हें 6 महीने तो पुराने सिस्टम की सफाई को लग गए। 105 करोड़ की लागत से 9 लाख लीटर दूध की प्रोसेसिंग होना गर्व का पल है। पंजाब की तरक्की जनता के साथ मिलकर होगी। उन्होंने कहा कि सतोज उनकी जन्मभूमि और लुधियाना उनकी कर्म भूमि है। यहीं से उन्होंने करियर की शुरुआत की। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि हम काम आरंभ करने से पहले नहीं, काम पूरा होने के बाद ही नींव पत्थर रखेंगे। महाप्रबंधक भूपेंद्र सिंह ने कहा कि अब यह प्लांट पंजाब के मुख्य प्लांट में शामिल है, जिससे पंजाब में सप्लाई की डिमांड को पूरा करने में वे सक्षम हो जाएंगे। लुधियाना से हलचल के लिए अरुण की रिपोर्ट। जिहड़े मिल्कफेड दे चेयरमैन नवे बनाए गए ने नरेंद्र शेरगिल जी, उन्होंने बहुत बहुत बधाई दिंदा मैं कि उन्होंने की अगवाई दे विच वेरका जिहड़ा है वह नवी पुलांगा पट्टियां शुरू कर चुके हैं। मैडम जसप्रीत जी, ढाका साहब, सारी लीडरशिप, सारा प्रशासन, लुधियाने के SSP कमिश्नर, DC साहिबा, जिन्हें भी तुसी इत्थे पहुँचे हो, खास तौर पर वेरका दी रीढ़ दी हड्डी जिहड़े किसान पिंडां चों तुसी दुध लिया के इत्थे इस प्लांट नूं चलाउंदे हो, मैं तुहाडा सारिआं दा कल्ले कल्ले चले हुए कदम दा स्वागत भी करदा ते सिर मत्थे भी कहना वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतह। 10 मीट्रिक टन जिहड़ा दुध है उदो पनीर बनूगा, मक्खन बनूगा। मैं देख के आया प्लांट सामने मेरे लिखे वेरका किसानों का अपना अदारा, पशु धन हुंदा है वरदान, खालस दुध चौखी कमाई नाले घर दी शान। तरक्की लई ज्ञान जरूरी, पशु धन लई ध्यान जरूरी, सामने लिखा है। ये तरक्की जिहड़ी है पंजाब दी, ये इदां ही होनी है, ये जनता दी हाजरी च होनी है। अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन की ओर से मां बंगला मुखी जी का साप्ताहिक महायज्ञ प्राचीन शिव मंदिर दमोरिया पुल में अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रसिद्ध मां बंगला मुखी जी के उपासक श्री श्री 108 महाराज स्वामी सिकंदर की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें संगठन के पुरोहित पंडित चक्र प्रसाद जोशी ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर यज्ञ में उपस्थित माँ भक्तों से महायज्ञ में आहूतियाँ डलवाई। इस महायज्ञ में अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन के वैभव शर्मा, अमित गुप्ता, पीयूष जैन, मोहित जैन, डॉक्टर मुकेश कुमार सहित असंख्य भक्तजन मौजूद थे। जालंधर से हलचल के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट। ॐ ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानं वाचं मुखं पदं स्तम्भे जीवा किल्लय किल्लय बुद्धि विनाशे हरिं ॐ स्वाहा। ॐ ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानं वाचं मुखं पदं स्तम्भे जीवा किल्लय किल्लय बुद्धि विनाशे हरिं ॐ स्वाहा। कोई एक ओंकार कह रहा है, कोई अल्लाह कह रहा है, कोई जीसस कह रहा है, ये सभी कुछ अलग अलग हम लोगों ने बनाए हैं, लेकिन कोई भी ऐसा प्रचलन नहीं है। हमारे ग्रंथों में देख लो, हमारे जितने भी 4 वेद हैं, चारों वेदों में देख लो, वहाँ पर कोई भी ऐसी ऊंच नीच नहीं है। कुछ लोग कहते हैं मनुस्मृति है, कुछ लोग कहते हैं ये है वो है, ये आप सब छोड़ो। आपने सिर्फ एक ही संदेश देना है कि कहीं भी आपने जाना है, कहीं पूजा स्थान पर जाना है, तो आपने ये घृणा नहीं करनी, अपने मन में ये संशय नहीं रखना कि मैंने उसी धर्म के वहां पर जा करके मैंने माथा नहीं टेका। मान लीजिए आप गुरुद्वारे जाते हैं तो ये नहीं सोचना कि हम माँ बगलामुखी को मानते हैं तो ये गुरुद्वारा है। गुरुद्वारा जो है हमारे 10 गुरु हैं जिन्होंने हमारे लिए इतनी कुर्बानियाँ दी, उनको याद करने के लिए गुरुद्वारा है।
दैनिक सवेरा द्वारा शुरू की गई फेस्टिवल शॉपिंग धमाका सीजन 3 को लेकर लोगों में काफ़ी क्रेज देखने को मिल रहा है। वहीं स्कीम को लेकर जीएस होंडा शोरूम नज़दीक फुटबॉल चौक जालंधर में भी लोगों को कई प्रकार की छूट वाहनों पर मिल रही है। इस मौके पर जीएस होंडा के मालिक अमरिंद्र सिंह ने बताया कि दैनिक सवेरा द्वारा शुरू की गई फेस्टिवल शॉपिंग धमाका स्कीम बहुत ही बढ़िया स्कीम है, जिसमें लोगों को कई प्रकार के गिफ्ट जीतने का मौका मिल रहा है और साथ ही उनके शोरूम में वाहनों की खरीदारी करने पर भारी छूट मिल रही है और लोग भी स्कीम को लेकर उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। जीएस होंडा के वल्लों दैनिक सवेरा के सारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करदा ते उन्हां दा दिवाली के मौके पर उन्होंने बहुत बहुत शुभकामना दिंदा। दैनिक सवेरा वालों जो फेस्टिवल स्कीम चल रही है वो वालों हर खरीदार साढ़े वालों एक कूपन दिता जा रहा प्लस एक एश्योर्ड गिफ्ट दिता जा रहा। स्कीम जड़ियाँ चल रही हैं साढ़े को फेस्टिवल सीजन के मद्देनज़र एक तो हैगी लो डाउन पेमेंट स्कीम जिद 3,999 रुपये दे के तुसी गड्डी कर ले जा सकते हो, बाकी जड़ी अमाउंट हैगी है आसान किश्तों में फाइनैंस हो जाएगी, वो तुसी आसान किश्तों में EMI के तौर पर तुसी दे सकते हो। उदी म्याद 12 महीने 24 महीने 36 महीने तो 48 महीने भी हो सकती है, वो तुसी अपनी जरूरत मुताबक वो केस टेन्योर तुसी सिलेक्ट कर सकते हो। साढ़े वालों एक एश्योर्ड गिफ्ट दिता जा रहा सारे कस्टमर जो भी खरीदारी कर रहे हैं इस मौके पर, नाल ही एक तक कूपन की जी स्कीम हैगी है, हाँ नाल ही लक्की ड्रॉ की जी स्कीम चल रही है वो भी है। साढ़े जलंधर में शोरूम्स ने वडाला चौंक है, फुटबॉल चौंक से जिथे आप खड़े हैं, गाजी गुला है, बस्ती शेख है, बस्ती बाबा खेल जलंधर में हो गए, उस तो अलावा लांबड़ेच है, नकोदर है, नूरमहल है, शाहकोट है, जंडियाले भी अपना शोरूम है, करतारपुर भी है। मेरा यही अपील करांगे कि यह जड़ी दिवाली दे मौके ते जो स्कीम्स लगिया ने जल्दी तो जल्दी आपा स्टॉक जड़ा हैगा बड़ा लिमिटेड है क्योंकि चिप शॉर्टेज बड़ी चल रही है अजकल, तो आप जल्दी तो जल्दी ये गड्डी लैन का प्लान कर रहे हैं तो आप इन स्कीम्स का लुफ्त लेना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी आप प्लानिंग करिए बुक ये बुक करवाना चाहते हैं तो बुक करवा के जल्दी जल्दी आप गड्डी कर ले जा सकते हैं। हेलो, नवी एक्टिवा लैने वास्ते जीएस होंडा च आया, इन्हां दे सारे जिन्हें भी वर्कर है गया और सारे बहुत अच्छी तरह साडे नाल डील की हैगी है और बड़े ही प्यार दे नाल आदर मान नाल सानू जो भी समान बनता है दिता इन्होंने। लक्की ड्रॉ तो बस देखो जी मालक दे हाथ वासी जे निकल आया तो फोन कर देंगे सानू, नहीं तो फिर। देश के अग्रणी और प्रतिष्ठित समाचार पत्र दैनिक सवेरा की ओर से जालंधर में फेस्टिवल शॉपिंग धमाका सीजन 3 की पूरे शहर में धूम मची हुई है। वहीं स्कीम के तहत ग्राहक विभिन्न काउंटर्स पर जाकर दिल खोलकर अपने पसंद के वेब प्रोडक्ट्स की खरीदारी कर रहे हैं। इसी के तहत चाहत द एथनिक वेयर नाज शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जालंधर में भी स्कीम का लोगों द्वारा लाभ उठाया जा रहा है। इस मौके पर चाहत एथनिक वेयर के मालिक कमल खुराना ने बताया कि स्कीम के तहत उनके शोरूम में आने वाले लोगों को सस्ते दामों पर विभिन्न प्रकार की सुंदर पोशाकें एवं परिधान उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्कीम से लोगों को काफ़ी लाभ मिलेगा और स्कीम के माध्यम से कई प्रकार के प्राइज भी जीत सकते हैं। मैं चाहत एथनिक वेयर सो कमल खुराना ऑनर शॉप साढ़े दैनिक सवेरा अखबार ने एक धमाका फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ किया जिस विच काफ़ी तरह के इनाम रखे गए हैं। जिहड़े कस्टमर साढ़े को इत्थे इस करके साढ़े को शॉपिंग करन आएंगे उन्होंने असी कूपन एक दे रहे हैं जिहदे च इनाम उन्हां दा निकलेगा। साड़ी दुकान चाहत एथनिक वेयर्स नाज शॉपिंग कंपलैक्स GT रोड हैगी है, इत्थे सब तो बाज़ार नालों सब तो घट रेट असी सूट दे रहे हैं, ड्रेसिस दे रहे हैं कस्टमर नू। प्लीज़ एक बार विजिट करो, आपा सूट शरारा रेडीमेड लहंगाज बहुत वरायटी है अपने कोलों, कॉटन दे सूट है, मोटे पशमीना दे सूट है, अगो सर्दियाँ सीजन है पशमीना दे सूट है, वेलवेट दे सूट है, हर चीज़ हर तरह के सूट साढ़े को अवेलेबल है। दैनिक सवेरा द्वारा शुरू की गई फेस्टिवल धमाका स्कीम को लेकर लोगों में काफ़ी क्रेज मिल रहा है, जिसके चलते रिम्पी सेल्स कारपोरेशन नज़दीक
साईं दास स्कूल जालंधर के सेल्स मैनेजर परमिंदर सिंह ने बताया कि उनके यहां पर उपलब्ध सभी प्रोडक्ट्स पर दैनिक सवेरा फेस्टिवल स्कीम के तहत कई प्रकार की छूट दी जा रही है। उन्होंने बताया कि ग्राहक इस स्कीम को लेकर बढ़ चढ़ कर खरीदारी कर रहे हैं, जिसके चलते वह कई प्रकार के इनाम इस स्कीम के जरिए जीत सकते हैं। कोई ऐसी वैरायटी नहीं साढ़े को ना हो बहुत सारे इनाम दे रहे हैं, बहुत सारी ऑफर दे रहे हैं, बहुत सारे रेट डाउन किए हुए ने, बहुत सारी क्वालिटियाँ दे रहे हैं। वो बहुत वधिया है जी, उन्होंने बहुत वधिया चीज़ पेश की है। सब नूं असीं कूपन दे रहे हैं, कूपन का ड्रा दिवाली तो बाद निकलेगा, जिस किसी वीर का निकलेगा उन्होंने फोन पहुँच जाएगा। सत श्री अकाल भाजी सारिआं नूं, मैं परविंदर सिंह रिंपी सेल्स कारपोरेशन पटेल चौंक तो एज अ सेल्स मैनेजर तुहाडे सामने रूबरू होए हां जी। इस वेले दिवाली की ऑफरस लगी हुई है जी, दिवाली दे विच बहुत सारे प्रोडक्ट्स जिहड़े कि नाल गिफ्ट आइटम्स लक्की कूपन दैनिक सवेरा वालों, ठीक है जी, जो माण ताण असी अपने कस्टमर्स का कर सकते हैं इस दिवाली के उत्ते, और कस्टमर साडे कोल आ के बड़े खुश है, बड़े खुश होंदे ने, बड़े खुश हो के अपने को साडे को खरीददारी करते हैं, दैनिक सवेरा के कूपन भी लैके जाते हैं, और नाल नाल जिहड़े भी साडे साडे रिंपी शो सेल्स कारपोरेशन वालों जिहड़े गिफ्ट आइटम्स है हर परचेज़ के नाल असी दिंदे आ वो साडे वालों दिते जाते हैं जी, खुश होकर ले जाते हैं भाजी। साढ़े को इस वेले असी हायर दे विच सोनी, सैमसंग, एल जी, अकाई और वर्लपूल मल्टी स्टोर है जी, अपना मल्टी ब्रांड स्टोर है, असी सारे ब्रांड्स दे विच काम करते हैं, और जिहड़ा भी कस्टमर साढ़े को आके ब्रांड मंगता असी कोशिश करते हैं उन्हें सारे तो सारा प्रोडक्ट प्रोवाइड किया जाए। बहुत उत्साह मिलता जी, बहुत लोगों को उत्साह है जी, दैनिक सवेरा के कूपन आके देखते हैं, पहला तो बोर्ड बाहर एडवरटाइजमेंट देख के ही लोग अंदर आते हैं, पुछते हैं जी हाँ जी भाजी कूपन स्कीम हैगी तुहाडे कोल, हाँ जी पुछते हैं जी, दसदे हैं उन्होंने भी ये कूपन स्कीम हर परचेज़ के नाल तुहानू कूपन मिलता है, जिन्नी तुसी वध तो वध परचेजिंग करो, दिल खोल के करो, असी उन्ने कूपन नाल दिंदे आ जी उन्होंने। दैनिक सवेरा की ओर से जालंधर में फेस्टिवल शॉपिंग धमाका सीजन 3 की पूरे शहर में धूम मची हुई है, जिसके चलते BMS मोबाइल हब में भी इस स्कीम को लेकर ग्राहकों को कई प्रकार की छूट दी जा रही है। इस मौके पर दुकान मालिक गौरव ने बताया कि उनकी दुकान में कोई भी व्यक्ति 1 रुपया देकर कोई भी सामान अपने घर ले जा सकता है। इसके अलावा स्कीम के चलते ग्राहकों को कूपन भी दिए जा रहे हैं, जिसमें ग्राहक कई प्रकार के इनाम भी जीत सकते हैं। जी मैं अपना गौरव इस बार दिवाली से थोड़े लिए बड़ी वधिया स्कीम लैके आया, ग्रोवर टेलीकॉम से आओ, अनेक ऑफर पाओ, 1 रुपया दे के कोई भी घर का समान मोबाइल लैके जाओ, कोई भी प्रूफ 2 डॉक्यूमेंट देने अपने फाइनांस करवाओ, नाल गिफ्ट फ्री, अनेक तरह के गिफ्ट। तो दैनिक सवेरा स्कीम इस बार साढ़े को लैके आया है कूपन स्कीम, जिदे विच तुहानू काफ़ी सारे उपहार देंगे। असी दैनिक सवेरा का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने सानू इन्नी सहायता दिती, सानू कस्टमर दे नाल जोड़न दा एक मौका दिता, होर थैंक यू सो मच सर। साढ़े को सारे ब्रांड है, वर्लपूल, एल जी, सैमसंग, रेडमी, और सारे ब्रांड है, SM, TCL, A to Z सारे ब्रांड पे है अपने को, अलमारी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, बैड तो लैके सारे ब्रांड, LED, फोन, हर एक तरह का फोन मिलेगा तुहानू फाइनांस ते, हर एक तरह का फोन, नाल हर एक कस्टमर नू गिफ्ट देवांगे, ये नहीं कि जिन्हें छोटा समान लिया उन्हें गिफ्ट नहीं दिता जाएगा, सारे कस्टमर नू गिफ्ट देवांगे, इस बार कोई भी नाराज होकर नहीं जाएगा, सारे फाइनांस करांगे। दैनिक सवेरा द्वारा शुरू की गई फेस्टिवल शॉपिंग धमाका सीजन 3 को लेकर लोगों में काफ़ी क्रेज मिल रहा है, जिसके चलते जालंधर की डोकोर शोरूम में भी इस स्कीम को लेकर ग्राहकों की भीड़ उमड़ रही है। इस मौके पर शोरूम के मालिक ने बताया कि उनके शोरूम में खूबसूरत चादरें, बेड कवर, सोफा कवर के अलावा घर की सजावट के लिए हर प्रकार का सामान उपलब्ध है, जिस पर दैनिक सवेरा द्वारा चलाई जा रही स्कीम के तहत कई प्रकार की छूट दी जा रही है और लोग भी इस स्कीम को लेकर जमकर खरीदारी कर रहे हैं। मैं मोहित शारदा, स्टोर मैनेजर, इतने अपने डीडकोर स्टोर साढ़ा जलंधर का एक्सकलूसिव स्टोर है, फ्रेंचाइजी एक्सकलूसिव स्टोर खुलिया हुआ वा, ये साढ़े को कई तरह के कर्टेंस का, सोफे का, अफोस्टरी का सारा फैब्रिक्स सब कुछ अवेलेबल होंदा है, होर भी साढ़े को कारपेट्स, रग्स एंड ब्लाइंड्स एंड वॉलपेपर्स हर तरह के, मतलब तुहाडे को साडे घर नूं शिंगार वास्ते, तुहाडे घर के सुधार वास्ते साडे को सारी चीज़ां अवेलेबल होंदियां इत्थे। तो ये साडा नाल शॉपिंग कंपलैक्स कोल पैंदा है, डीडकोट का एक्सकलूसिव स्टोर ने, तो बाकी दैनिक सवेरा वालों एक लकी ड्रा निकलिया होया वा, वो फेस्टिवल चल रहा है, जिहड़ा कि तुसीं साडे को जो भी कस्टमर आते हैं साडे
ਪ੍ਰੈਸਟਾਈਜ਼ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਕੀ ਡਰੋਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਲੱਸ ਉਹਦਾ ਲੱਕੀ ਡਰੋਅ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲੇਗਾ ਦਿਵਾਲੀ ਦਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਔਫਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਸਟ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਨਿਕਲਣਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਦਊਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਲੱਕੀ ਡਰੋਅ ਭਰੋ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲੇਗਾ देश के अग्रणी और प्रतिष्ठित समाचार पत्र दैनिक सवेरा की ओर से जालंधर में फेस्टिवल शॉपिंग धमाका सीजन 3 को लेकर फगवाड़ा गेट स्थित चड्डा मोबाइल हाउस में भी ग्राहकों की भरमार देखी जा रही है। इस मौके पर दुकान के मालिक रिक्की चड्डा ने बताया कि उनके शोरूम में हर कंपनी का मोबाइल ग्राहकों को बहुत ही उचित दामों पर उपलब्ध करवाया जाता है। इसके अलावा दैनिक सवेरा द्वारा चलाई जा रही स्कीम के तहत मोबाइल के दामों पर कई प्रकार की छूट दी जा रही है। इतना ही नहीं ग्राहकों को इस स्कीम के चलते एक कूपन भी दिया जा रहा है जिसके चलते लकी ड्रॉ के माध्यम से ग्राहक कई प्रकार के आकर्षक उपहार जीत सकते हैं। मैं रिक्की चड्डा चड्डा मोबाइल हाउस फगवाड़ा गेट तो जिदा कि आप देखते कि हर साल दैनिक सवेरा अपनी कूपन स्कीम लैके आता जिद अलग अलग तरह के हर कस्टमर ड्रॉ दिते जाते हैं। पूरे शहर से यह स्कीम चलती है। हूँ भी कस्टमर इस चीज़ स्कीम लैके बहुत एक्साइटेड है और साढ़े काउंटर पर भी वो स्कीम एप्लीकेबल है कि तुसी कस्टमर कोई भी आएगा कूपन डालेगा उस तो बाद ड्रा निकलेंगे मोटरसाइकिल है होर बहुत सारे इनाम है जोड़ा कस्टमर दिवाली दे ऑफर से ही मिलया जाता है। अदर इस तो अलावा भी अगर तुम चड्डा मोबाइल हाउस से विजिट करते हो तो इतने काफ़ी सारे कैशबैक बजाज फाइनेंस 0% 1 रुपया दे के फोन लै जो गिफ्ट हर तरह की तुम इतने मिल रहे हैं। हर प्रोडक्ट अवेलेबल है स्कीम्स अवेलेबल है और मैं ही कहूँगा कि इस फेस्टिवल में सारे आप शॉप से जाके हर सारे शहर की दुकान पर जाके ऑनलाइन ही आप छड़ के ऑफलाइन आप प्रमोट करिए और शॉपिंग करिए। दिवाली तो देखो जी एक तो असी साढ़े 4 डेज़ की स्कीम चलेगी सैटरडे तो कोई भी कस्टमर कोई बाय करता तो उन्हें एवरी फोन के नाल असी गिफ्ट दे रहे हैं। बजाज के उत्ते स्कीम बहुत अच्छी चल रही हैं क्रैडिट कार्ड से कैशबैक चल रहे हैं और दिवाली ते हर ब्रांड ने इन्ने के डिस्काउंट लगाते कि जो प्राइस तुहानू आज वीक च मिल जाएगा तुहानू पूरा साल नहीं मिलेगा। इस टाइम इन्ने जबरदस्त ऑफर चल रहे और मैं इसे नाल ही तुहानू सारयां नू हेल्दी और खुशियां भरी दिवाली होवे हर घर दे विच तंदुरुस्ती रहे और सारे खुशहाली दे नाल दिवाली मनाउण। हैप्पी दिवाली बेस्ट हो। दैनिक सवेरा द्वारा शुरू की गई फेस्टिवल शॉपिंग धमाका सीजन 3 को लेकर लोगों में काफी क्रेज देखने को मिल रहा है। वहीं स्कीम को लेकर रवि टीवीएस फुटबॉल चौक जालंधर में भी लोगों को कई प्रकार की छूट वाहनों पर मिल रही है। इस मौके पर कर्मचारी ने बताया कि दैनिक सवेरा द्वारा शुरू की गई फेस्टिवल शॉपिंग धमाका स्कीम बहुत ही बढ़िया स्कीम है जिसमें लोगों को कई प्रकार के गिफ्ट जीतने का मौका मिल रहा है और साथ ही उनके शोरूम में वाहनों की खरीदारी करने पर भारी छूट मिल रही है और लोग भी स्कीम को लेकर उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਰਵੀ ਟੀਵੀਐਸ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਵੱਲੋਂ ਰਵੀ ਟੀਵੀਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਿਵਾਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਧਨਤੇਰਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਕੀਮਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਆਈ 5.5 ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ 7.99 ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਔਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ICICI ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਸ਼ ਬੈਕ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਸਟਮਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਭਰਪੂਰ ਰਿਸਪੋਂਸ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗਿਫਟ ਹੰਪਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕਸਟਮਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵੋਚਰ ਹੈਗਾ ਆ ਕੂਪਨ ਹੈਗਾ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੂਪਨ ਬਕਾਇਦਾ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਵਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਲੱਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹੋਰ ਲੱਖਾਂ ਢੇਰਾਂ ਨਾਮ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਸਟਮਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੱਢਣਗੇ ਹਾਈਲਾਈਟਸ ਕਰਨਗੇ 100% ਬਈ ਗਰੰਟਡ ਹੈਗੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਰਵੀ ਟੀਵੀਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸਟਮਰ ਦਾ ਜੋ ਧਮਾਕਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਰਪੂਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਰਪੂਰ ਰਿਸਪੋਂਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ 5.5 ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਉੱਤੇ ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ
कि मेरे कस्टमर अज की डेट में रश लगा होया है और बड़ी दिवाली की धूम लगी हुई, दिवाली तो पहले ही धूम लग चुकी हैगी। मैं सारियां रवि TVS वालों दिवाली दियां धनतेरस दियां बहुत बहुत मुबारक दिना हाँ और तुसीं रवि TVS विच आओ ते रवि TVS विच लाभ उठाओ, फायदा उठाओ, मौके का दोस्तों फायदा उठाओ। साडे कोल जिहड़ियां स्कीमां प्रोवाइड हन शायद तुहानूं कितों वी इह स्कीमां नहीं मिल सकदियां। असीं कस्टमर नूं वर्कशॉप वालों हाईटैक वर्कशॉप वालों भी वधिया सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, वधिया डिलीवरी दे रहे हैं कस्टमर नूं, हर एक तरह की सुविधा जिदा की कस्टमर की चाहिए आ असी उन्हां दी सेवा दे विच हाजिर हैं और अरे खरे उत्तर रहे हैगे आ। दैनिक सवेरा द्वारा शुरू की गई फेस्टिवल शॉपिंग धमाका सीजन 3 का रोमांच लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। इसी के तहत RK होम डेकोर में सभी प्रकार के फर्नीचर, फ्रिज, LED, AC सहित सभी सामानों पर दैनिक सवेरा फेस्टिवल स्कीम के तहत कई प्रकार की छूट दी जा रही है। इस मौके पर शिवम शर्मा ने बताया कि स्कीम के तहत लोगों को खरीदारी करने पर एक कूपन भी दिया जा रहा है, जिसके लकी ड्रॉ के माध्यम से ग्राहक कई प्रकार के आकर्षक पुरस्कार भी जीत सकते हैं। नमस्कार जी, मैं शुभम शर्मा MD ऑफ RK होम डेकर संतोखपुरा नियर भारतोरियम लम्मा पिंड रोड तो गल कर रहे हैं। साढ़े कोल फेस्टिवल सीजन दिवाली नूं ध्यान दे विच रखदे होया अपने ग्राहकों वास्ते बड़ियां वधिया सहूलतां दे रहे हैं। RK होम डेकर की छत हेठां ग्राहकों वास्ते वाशिंग मशीनां, माइक्रोवेव, LED TV, फ्रिज, OTG, चिमनियाँ, चूल्हे चिमनियाँ, फिल्टर, गीज़र अते होर साडे कोल फर्नीचर दे विच बैड, सोफा, प्लास्टिक आइटम तो लैके हर आइटम उपलब्ध है। घर का सारा फर्नीचर जिदे विच प्लास्टिक कुर्सियां तो लैके सोफे, अलमारियां, लोहे दियां अते लकड़ दियां, ड्रैसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, प्रेस टेबल, गद्दे मार्केट तो सस्ते रेटा ते उपलब्ध कराए जाते हैं। नमस्कार, मैं मनीष कुमार RK डेकर होम तो GM। साडे दैनिक सवेरा वालों जो भी फेस्टिवल सीजन से धमाका लिता जा रहा साडे शोरूम च उहनां दा वध तों वध होके हिस्सा लिता जाए और साडे शोरूम च उस तों इलावा होर भी गिफ्ट आइटम हर शोर दित्ती जा रही है प्रोडक्ट के नाल। साडे कोल LED फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीज़र, इस तों इलावा फर्नीचर के प्रोडक्ट सारे अवेलेबल है। इहदे सहयोग नाल साडे शोरूम के विच एक बार विजिट करके जरूर आओ, बहुत अच्छा सहयोग मिले लोगों का दैनिक सवेरा वालों। सारे लोग आ रहे हैं, कूपन पा के जा रहे हैं, जो भी कस्टमर आ रहा पहला दैनिक सवेरा का ही नाम ले रहा कि सर तुहाडे को स्कीम चलती दैनिक सवेरा का, उहदे विच काफ़ी वधिया सहयोग मिल रहा सर सानू दैनिक सवेरा का, मैं बहुत शुकराना करना चाहता सर। सेंट सोल्जर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन द्वारा रोशनी का त्यौहार दीपावली हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पिंगला घर के बच्चों के साथ मनाया गया। वहीं इस मौके पर वाइस चेयरपर्सन संगीता चोपड़ा, सेंट सोल्जर इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल मनगिंदर सिंह सहित स्कूल के छात्र विशेष रूप से उपस्थित हुए। इस दौरान संगीता चोपड़ा ने बच्चों को गिफ्ट भी प्रदान किए। इस मौके पर बच्चों को कॉपियाँ, पेन, मिठाइयाँ, फल इत्यादि भेंट किए गए। इस मौके पर उन्होंने बच्चों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि जैसे एक दिए की रोशनी चारों तरफ उजाला करती है, उसी तरह हमारे प्रेम और स्नेह की जो रोशनी है वह इन नन्हे बच्चों की जिंदगी में उजाला करती है, इसलिए उन्हें अपनेपन का एहसास देते हुए हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सेंट सोल्जर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन द्वारा दीपावली का त्यौहार इन बच्चों के संग मनाया गया है। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। हीरे की शफक है तो अंधेरे में चमक, धूप में तो शीशे भी चमकते हैं। इसी चीज़ को देखते हुए जो सेंट सोल्जर ग्रुप है हर अंधेरी जगह पे भी दिया चलाता है, विद्यारूपी ज्ञान के रूप में भी और वैसे भी आर्थिक और वैसे भी मदद करके सब पिछड़े वर्गों को भी, सब स्पेशल चाइल्ड्स को भी अपने साथ लेके चलता है। जैसे कि आज भी हमने पिंगला घर में दिवाली मनाई है उन बच्चों के साथ जिनको अपना अपनाने से वो बच्चे इतनी खुशी जाहिर करते हैं कि जैसे उन्हें दुनिया की सब कुछ मिल गया हो। तो क्यों ना हम अपने मन का जो दिया है उसको, क्योंकि हम लोग जो है अगर एक मिट्टी का दिया जो है वो सारी रात जल के अंधकार से लड़ता है, तो हम तो भगवान के दिए हुए दिए हैं, तो क्यों ना अपनी रोशनी से इस दुनिया को ऐसे प्रकाशित करें कि जहाँ देखें वहाँ पे जगमगाहट हो और सब जगह पे दुनिया में प्यार और भाईचारे का संदेश देते हुए सबको अपनाते हुए एक नए भारत का निर्माण करें। हैप्पी दिवाली टू यू ऑल। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से।
नाभा के डीएसपी गगनदीप सिंह भुल्लर की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से हुई मौत, पुलिस जांच में जुटी। नाभा में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से फैली सनसनी, नहीं हो पाई पहचान। जालंधर देहात के थाना फिलौर की पुलिस ने एक इंटरनेशनल नशा तस्कर को किया काबू, 2 किलो हेरोइन, 1 पिस्तौल, 5 जिंदा कारतूस किए बरामद। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।